और आपको दिखा दूं, पीसू टॉप 2 किलोमीटर रह गया है। अच्छा, देख लो, शॉर्टकट चलना चाहिए ना भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? चंदनवाड़ी में देख सको, काफी भीड़ है भाई साहब, गाड़ियां पर गाड़ियां अड़ा रखी है, यहीं पर उतारण लग रहे हैं। रुक जा भाई, रुक जा 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 रुक जा। यो है चंदनवाड़ी बेस कैंप, पहुंच गया हमारा चंदनवाड़ी बेस कैंप पे। मुड़ते यात्रा आगे स्टार्ट करांगे। यह है बेस कैंप, सॉरी, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। देख सको फुल ज़्यादा भीड़ है वह, वक्त के यात्री आ रहे हैं, सवेरे के लग रहे लाइन में, फुल भीड़ हो रही। लवे दोस्तों, होगी अपनी एंट्री अंदर चंदनवाड़ी, तो ये भी अमरनाथ की यात्रा उड़ते चलू होगी अपनी। तो सारे भाई वीडियो ने अपने लाइक करो और शेयर करो, दिखाते रहो, दूर तक चलांगे। देख सको कितनी यात्री आ रहे, काफ़ी यात्रा में यात्री आ रहे भाई, फुल भीड़ है, फुल भीड़ लग रही भाई, फुल भीड़, फुल, क्योंकि 2 दिन तो यात्रा बंद थी तो इसलिए फुल भीड़ लग रही है, फुल है। यात्रा स्टार्ट हो गया से, देख सको उरे तो भी ऊपर तो घोड़े मिले, घोड़े भी उरे तो लेने पड़ेगा आपने, आप तो लेंदे को नहीं देंगे घोड़े रे, कितने कुलबीर ने लेना आगे, ये बिल्लू बादशाह लेगा घोड़े को, लेगा घोड़े, ये है घोड़ा लेगा, पुराना दोस्त है इसका। जय बाबा बर्फानी, भूखे के ओन प्यासे को पानी, सभी का स्वागत है भाई। एक और वीडियो में आज कर दी है यात्रा स्टार्ट आपने, तो आगे जाएगा थोड़ी स्टार्ट करी है, भीड़ काफ़ी थी, तो सारे भाई वीडियो ने एंजॉय करो और लाइक करो, चलने लग रहे। संजय संजय, खच्चर 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 जबरदस्त ये टेंट लग रहे है, पानी का फुल प्रबंध, यहाँ पानी का भी फुल प्रबंध है भाई, लाइट लूट का बिल्कुल फुल प्रबंध है, लाइट प्रॉपर है, सोलर वाली भी है, और रोड देख सको आप, बाकी गंदा है लेकिन पक्का रोड है। देख लो भाई पीछे का व्यू, एक नंबर का व्यू है, जबरदस्त जबरदस्त का मौसम, एक नंबर का मौसम हो रहा है आज, पूरा जबरदस्त, धूप निकल आई है ऊपर पहाड़ों में, ऊपर तो धूप निकल आई भाई, आज यात्रा बढ़िया तरीके से होगी अपनी, तो देखते रहिए अपने ब्लॉग ने। बस सिक्योरिटी की बात कराना, इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी कर रखी है, बढ़िया सिस्टम, पहले पुलिस वाले यात्रा मंदिर जान दिया करते, मतलब एंट्री गेट पे, ईद की बार तो भाई फौजी लगा रखे हैं, फौजी प्रॉपर तरीके से बढ़िया उसके हिसाब से एंट्री करवाओ, चेकिंग पूरी प्रॉपर करके ने, एक नंबर का सिस्टम कर रखा भाई, फौजियों के अंडर में है पूरी अमरनाथ यात्रा, चाहे जम्मू तो चला तो ओड़े तो फौजियों के अंडर में सिस्टम, दूर लगे अमरथला नाथ यात्रा लग ऊपर तक फौजिया के अंडर में है, तो आओ, एक नंबर के सिस्टम है, बढ़िया एक नंबर, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और मेरे पीछे देख सको आप भाई, सफाई अभियान भी साथ ही साथ है, मतलब चकाचक कर दे रहे हो साथ ही साथ रोड में, ताकि बदबू ना आए भाई, बिल्कुल सफाई साथ ही साथ हो रही। दोस्तों यहाँ से देख सकते हो आप, घोड़ों का रास्ता अलग है और पैदल यात्रियों का रास्ता अलग है, ये बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है भाई सरकार ने, नहीं तो बदबू बहुत आवे, तो ये सबसे बेस्ट है। चंदनवाड़ी के बाद भाई एक और चेक पोस्ट आवे है, पूरे भी चेकिंग करी जावे, मतलब कोई सा पदार्थ नहीं ले रहा, जो ऊपर ले जाना अनिवार्य है, को नहीं मतलब अलाउड को नहीं, ये पदार्थ जो आप लेकर जाने लग रहे हो तो ऐड चेक पोस्ट। एक और खबर बता दें भाई, है ना भाई, पूरे पीछे
ये जो सेकंड चेक पॉइंट था इस पर मोटा आदमी ने रोका जाए जिसका सांस उस फूलता हुआ है, प्रॉपर चेकअप करके ना फिर भेजा जाए। यह बढ़िया सिस्टम कर रखा है, अब की बार कोई किसी का दिक्कत नहीं हो जाए। यहाँ पर आ गई भाई सीमेंटेड रोड, साफ सुथरी बिल्कुल। ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भैया। रोहतक का भंडारा ग्यारहवा, ओह सॉरी चौदहवा भंडारा पूरा। थोड़ा आपने ब्रेकफास्ट कराया, अभी चलेंगे आगे। ये रास्ता चढ़ाई है काफ़ी और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है भाई। पहाड़ों पर ठंडा पानी में नहाएगा, अभी देखना आप डुबकी लगाएगा ये ठंडे पानी में संजय सेठ। बाय बाय टाटा गुड बाय गया भाई। लो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा भाई ये रोड बनाए गए हैं, बिल्कुल एक नंबर। देख इसको व्यू देखो एक बार, पहलगांव से अमरनाथ यात्रा का, सो जो कि चंदनवाड़ी से स्टार्ट होती है। हमारे संजय सेठ आगे आगे चल रहे हैं, जो कि बहुत तेज चल रहे हैं आज। ये होती है देसी फिटनेस, किसान वाली फिटनेस। ये आ गया भाई हेलीकॉप्टर, ये दिख रहा है सामने से, देखो गाड़ी आ रही भाई। नया मार्ग बना है पिसू टॉप तक, बिल्कुल एक नंबर बना रखा है। पर थोड़ा कच्चा रास्ता मिला है दोस्तों, और ग्रिल लगी हुई है प्रॉपर, देख सकते हो। इतने ऊपर आ गए देखो, वहाँ से चढ़ाई की थी दोस्तों, काफ़ी ऊपर आ चुके। ये यहाँ से स्टार्ट की थी हमने, और आपको दिखा दूँ पिसू टॉप 2 किलोमीटर रह गया है, जो कि हमारा पहला पड़ाव है। कट का नतीजा बिल्लू बादशाह, फिल्टर फट चुके हैं। गजब बेइज्जती है दोस्तों, ये है देख लो, शॉर्टकट चलना चाहिए ना भाई, कोई फायदा को नहीं, हमें नाटा दे दोस्तों, शॉर्टकट ना चलियो भाई। मुंह बंद रख, बंद रख तू, सांस को खोल। फौजी साहब के पास फोन करूं क्या? मिल गया पिट्ठू वाला, बिल्लू का पीछे से बुरा हाल हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो आप शॉर्टकट का नतीजा, बुरा हाल हो चुका है दोस्त का हमारे का। दोस्तों बीच बीच में आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाएगी, अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो सब सुविधा यहाँ पे है, बिल्कुल मेडिकल की हर प्रकार की सुविधा। दोस्तों रास्ते में यहाँ मिल जाता है पिसू टॉप से पहले हमारे को शरबत पीने के लिए, एक नंबर का टेस्ट। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लगा रखे हैं लोग ग्रिल, और रास्ता है कच्चा, और ये आ गया है इन्वर्टर ठीक करने वाला। ये लाइट का पूरा सिस्टम इसको देखना है यहाँ पे। काफी दुख हुआ है, ब्लॉगर नहीं ब्लॉगर है। देख सको दोस्तों पूरा मिल जाए, लोग ग्रिल लग रही है सपोर्ट खतर, आप इसको पकड़ के भी ऊपर चढ़ सकते हो। बाकी ये ताकि कोई भोला गिरे ना, इसलिए लगा रखी है। दोस्तों ये है नया रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं, लेकिन वो है पुराना रास्ता, जो आप नीचे देख सकते हो वहाँ पे दिख रहा है, वो घोड़े चल रहे हैं उस रास्ते से, ये है पुराना रास्ता, और हम चल रहे हैं नए रास्ते से। ये नया रास्ता इससे बना गया है, ये है जेसीबी, इससे बना गया है ये नया रास्ता। ये है दोस्तों पुराना रास्ता, और ये हम चल रहे हैं नए रास्ते से। यहाँ के घोड़े मिल जाते हैं इसी रास्ते में, मतलब जो पुराना रास्ता वो नए रास्ते में ही मिल जाता है। ऐड होता है यहाँ पे, यहाँ तक पूरा। दोस्तों फाइनली 2 घंटे बाद पहुँच गए हम पिसू टॉप, वेलकम टू पिसू टॉप। ये है हमारा पहला स्टॉपेज। टॉप है 11,000 फीट, जाजीपाल रह गए यहाँ से 4 किलोमीटर और। दोस्तों पिसू टॉप पे लंगर की फुल सुविधा है, यहाँ पे आके लंगर एंजॉय कर सकते हैं आप। यहाँ पे टॉयलेट की भी फुल सुविधा है, देख सकते हो यहाँ टॉयलेट है,
और रहने के लिए भी आराम कर सकते हैं आप यहाँ थोड़ा। भाई पिछु टोप एक तो एक भंडारे है, जबरदस्त खाना है, एक नंबर, मतलब बढ़िया मिठाई तो लेके ना सबके में, रोटी सब्जी सबके में, पूरी जो भी खाना है हर प्रकार का खाना है। ये दो चीते हैं जो नहीं रुकने वाले, ये सिंजा सेठ, ये घोड़े पे चढ़ने वाले है, ना घोड़ा लेंगे भाई, घोड़ा को लेना रे सिंजाई, सिंजाई घोड़ा को लेना, नहीं ले रहे हैं भाई, हाँ मेरे को लेवा। ए बंदे, अगर किसी भाई ने भाई पिसू टॉप तक घोड़े लेने तो उड़ते भी घोड़े मिल जाए है, इसका जी कर गया है, अपना एक फार्म है घोड़े का, हाँ इसका घोड़े का फार्म है, 3 करोड़ का एक घोड़ा भाई, हाँ ये ले रखा खच्चर, खच्चर है इसने भी, खच्चर ले रखे है दो, दो गधे है इसके पास, खच्चर और गधे तो ये सब अपना हांडा के पास है, नहीं हांडा कॉलोनी में मिलेंगे इन लोगों को, ये इसके पास है नहीं, अपना खच्चर तो करोड़ों का सिस्टम है यार, मुझे परेशान क्यों करते दोपहर के टाइम है, अपना वीडियो के लिए भाई को परेशान करेगा, बड़ा नजारा है भाई, मजा आ गया, अभी ये बिलो पीछे आ रही है, अपना पीछे देख ले, ये तो सिंजे है, सिंजे सिंजे फौजियों की ट्रेनिंग हो रही भाई, सिक्योरिटी के बारे में लेके नहीं करने का, ये तो वीडियो बन लग रही, फोटो बने तो नहीं, तो क्यों सवाल दे रहे इसके तरफ से, तैर दे ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, स्माइल करो ये स्माइल ले, किसका लेके आया स्माइल, तो दोस्तों रास्ते में देखो कितना बड़ा झरना है, ये देखो बर्फ ही बर्फ है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, पिसू टॉप से 2 किलोमीटर चलने के बाद आता भाई, बिल्कुल टॉप का नज़ारा है एकदम। भाइयों आप यहाँ BSNL का सिम लेके आ सकते हैं, यहाँ पे 4G का नेटवर्क है, यहाँ टावर लगे हुए BSNL के, अच्छा नेटवर्क है BSNL का, तो अब लेके आ सकते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं जोजीपाल पे, तो यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद चलेंगे आगे, हम टोटल 8 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और बिल्कुल मौसम अच्छा है, यात्रा में बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो आप भी आओ और यात्रा करो, बिल्कुल नज़ारे हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे नज़ारे। और भाइयों सिक्योरिटी की बात कराँ भाई, जबरदस्त सिक्योरिटी है चारों तरफ, वाड़ा पे भी फौजी है भाई, फौज की फुल सिक्योरिटी है, मनु कसूती एक नंबर, मज़ा आएगा भाई देख के ना, पहली बार इतनी साफ सफाई और सिक्योरिटी देखी भाई, घोड़े की सुविधा हर एक जगह तो है, कहीं तो ले लो चाहे पिसू टॉप से ले लो, आगे जाजीपाल से ले लो, शेख सनाग से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो आप घोड़े की सुविधा। जो जीपाल से आगे चलने के बाद मिले दोस्तों बर्फ, ये देखो बर्फ, और यहाँ पर भी बर्फ है थोड़ी ही, बाकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, चलते आगे देखते कुछ पीने खाने का मिले तो, पीछे था मगर खाया नहीं, आगे देखते। देखो पीछे ज़बरदस्त झरना दिख रहा, ऊपर से पानी आ रहा काफ़ी ऊपर से, एक नंबर का झरना भाई, ओहो भाई साहब जबरदस्त झरना, ओहो पीने का पानी मिल गया भाई, तुम्हें खुशी मिल गई, ये देखो इस तरफ और देखो भाई, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ ऊपर, और ये पानी आ रहा है नीचे, और ये ऊपर चढ़ के जाना देखो, सीढ़ी है वहाँ तक, ऊपर तक जाना है सीढ़ी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई है भाई, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सांस फूला है। एक और झरना मिल गया, एक और जमा है, जबरदस्त वहाँ जाना ऊपर भाई।
भाइयों चल लिया पास भंडारे दिख जिन जैन में जैन है भाई अंदर जितनी राउंड है पड़ा में भंडारा देख के ना आनंद आ जाए चाय पानी पी के ना हल्का फुल्का लेके फिर चला के चलते हैं भाइयों शेषनाग की तरफ जल्दी शेषनाग पहुंच जाएंगे फिर उससे आगे की यात्रा देखते कैसे रहती है। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं शेषनाग झील मेरे सामने आपको दिखाता हूँ शेषनाग झील ये है शेषनाग झील जहाँ शिव जी जी ने अपने शेषनाग को छोड़ा था ये है शेषनाग झील भाई। फाइनली दोस्तों शेषनाग भी अभी पहुंच चुके हैं तो बहुत कठिन चढ़ाई भाई करड़ी चढ़ाई है काफ़ी मेहनत लगा है तो आप पानी पुनी साथ में लेके आइयो और हवा बिल्कुल चिल्ड हवा चल रही है ठंडी हवा तो भाई ओढ़न पहन का भी साथ में लेके आइयो। ये पहुंच गया पे दिखा दूँ अपने वो सामने जो बोर्ड लग रहा है ये बोर्ड रहा ये शेषनाग फाइनली शेषनाग भी पहुँच गया पे यहाँ तक यहाँ से पंचतरने के लिए अपना घोड़े भी मिल जाएगी लेकिन हमने तो पैदल यात्रा करनी भाई पैदल ही जाएंगे चलते दोस्तों 11 बजे ही रोक दिया है शेषनाग बेस कैंप शेषनाग थोड़ा पार किया है पता नहीं क्या भाई लाइन लगी हुई है लंबी लाइन देखते जाके ये वहाँ नीचे तो स्टार्ट होगी भाई गणेश टॉप की चढ़ाई यहाँ उनको आते आते बहुत खतरनाक चढ़ाई खड़ी चढ़ाई बिल्कुल देखते कैसे चढ़ी जाती है। फाइनली दोस्तों पहुँच गया गणेश टॉप देख लो काफ़ी तकड़ी चढ़ाई है जहाँ कसूती चढ़ाई गणेश टॉप तक तो भाई देख सको ये फौजी कैंप लग रहे हैं और दिखा दूँ इधर से भी बर्फ़ देख लो बर्फ़ कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है गणेश टॉप पे यहाँ पे देख लो बर्फ़ के ऊपर से जाना पड़ता भाई गणेश टॉप से जो नीचे उतरते हैं ना काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है चुगरते को बर्फ़ ही बर्फ़ क्या नज़ारे है यार उतरते हैं आराम से यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है तो आराम आराम से उतरते हैं देखते कहीं फिसलन न जाए साइड होना भाई साइड होना भाई देखे देखे हाँ ये बर्फ़ भाई गणेश टॉप पर मिल गया अपन बर्फ़ भाई ओहो ये बर्फ़ ओहो बड़की बूटा में हाथ बड़की बूटा ओहो बर्फ़ को चल रहे हैं भाई ओहो ये है बर्फ़ नीचे आराम से फिसल गया था गोडे लग गए यहाँ से स्पोर्ट्स के जूते लेके आना भाई गुड्डियाँ वाले वो कामयाब है ओह बर्फ़ के ऊपर से जाना पड़ेगा रुको फौजी साहब ओह ये प्रॉपर बर्फ है भाई जमा बर्फ को चलन लग रहा ओह देख सको बर्फ प्रॉपर बर्फ बर्फ पर चल रहे हैं वीर बड़े चलो ये घोड़े भाई घोड़े का तो अपना कहीं से कहीं भी ले सको भाई पिस्सू टॉप तक गणेश टॉप तक भी और शेषनाग तक भी कहीं तक भी ले सको घोड़े तो बढ़िया सुविधा है लोगों ने पूरी दूर लग जाना यहाँ से कहीं तक भी ले सको अभी सांस फूला ऑक्सीजन कम है तो आप लाइक करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यहाँ पर देख सकते हो आप भाई 5-5 फुट से ऊपर 6-6 फुट बर्फ़ जमी हुई है देख लो 6-6 फुट इधर भी 6-6 फुट बर्फ़ है गणेश टॉप से आगे चल के दोस्तों भंडारा देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है और पीछे व्यू देखो पानी वाला व्यू वो देखो झरना है ये भंडारा है फुल बड़ा भंडारा
यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे पंचतरणी की ओर। यहाँ पर घोड़े के लिए चारा भी मिला है, ये एक नंबर का है। शिव सेवक दिल्ली बहुत बढ़िया भंडारा लगा रखा है, पीछे देखो सीनरी। दोस्तों वो कैंप दिख रहे हैं, वो है पंचतरणी, इससे थोड़ा आगे ये कैंप दिख रहे हैं ना, इससे थोड़ा आगे है। और नज़ारा देखो आप एक बार पहाड़ों का, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, काफ़ी मात्रा में बर्फ है। दोस्तों पहुंचने वाले हैं हम बेस कैंप पंचतरणी, वो सामने दिख रहा भाई, वो बेस कैंप पंचतरणी। अरे ये रास्ता जाना है, उनको जाना है। ओ बारिश फुल तो को नहीं, मतलब हल्की हल्की है, लेकिन हवा फुल है भाई, जमा फुल हवा चलने लग रही है। दोस्तों पहुंच गया भाई पंचतरणी बेस कैंप, हेडा टेंट की सुविधा है, सबके भंडारे भंडोरे भी बतला, बढ़िया फैसिलिटी भाई, हर सांस चढ़े का सुते। और टेंट टूंट दिखावा भाई, है ना भाई, किसी के टेंट है के ऊपर है तो चलना हो रहा, चल के दिखावा भाई। पंचतरणी पहुंचा बच्चा, और चेकिंग पोस्ट आ गई एक, यहाँ पर चेकिंग होगी सबके में, सामान की भी और खुद की भी, कि मैं सामान नहीं ले रहा हुआ जिस तरह कि मैं हादसा हो जाए, कि मैं दिक्कत हो जाए, तो ऐसा सामान लेना गलत भी, हर एंट्री भी नहीं है उसकी भाई।